नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के तक प्रमुख खबरों को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट किया। ये ट्वीट उनकी करीबी और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया के बारे में था। सीमा काफी बीमार है, जिसका जिक्र मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हो चुका है। केजरीवाल ने ट्वीट में बताया है कि बुधवार 26 अप्रैल को वो सीमा से मिलने गए थे। इसके बाद उन्होंने उस बीमारी का जिक्र किया जिसमें सीमा ग्रस्त है, लेकिन आगे उन्होंने गंदी बीमारी का शब्द इस्तेमाल किया, जिस पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई और लोगों ने उन्हें नसीहत देनी शुरू कर दी। सूडान में फंसे भारतीयों का पांचवा बैच INS तेग सूडान से 297 यात्रियों को लेकर रवाना हो चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया है कि जेद्दा के रास्ते में फंसे भारतीयों का यह पांचवा बैच है। इसके पहले सूडान में फंसे 136 भारतीयों को चौथा बैच बुधवार को सऊदी अरब के जेद्दा के लिए IFC-130J विमान से रवाना हुआ था। अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, ऑपरेशन कावेरी जारी है। भारत ने हिंसाग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को बचाने के लिए सोमवार को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। जैसे ही भारतीय नागरिक सूडान से दिल्ली पहुंचे, उन्होंने भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इशारा किया है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड को भंग किया जा सकता है। स्मृति ईरानी ने रिपब्लिक समिट में हिस्सा लेते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति अब खतरे में है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिमों में डर फैलाकर उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की है। गोवा पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 27 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था। सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से चुनावी पोस्टर बनाने और लगाने के मामले को लेकर केजरीवाल को पेनम पुलिस ने नोटिस जारी किया था। अब इस मामले में गोवा पुलिस ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण के लिए जारी उस समन को वापस ले रही है, जिनमें उनसे 27 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा है कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिवंगत अरुण जेटली सरकार के पक्ष को सुनते थे और दूसरे दृष्टिकोण को भी स्वीकार करते थे, और यह नजरिया आज 100% निराधार है। उन्होंने यह भी कहा है कि जेटली की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक यह है कि वह कभी एक भी दुश्मन नहीं बना सके। उपराष्ट्रपति ने जेटली की पत्नी संगीता जेटली की मौजूदगी में पहली अरुण जेटली स्मृति परिचर्चा के समापन पर यह टिप्पणियां की है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक न्यायाधीश ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देने वाले अपील को सुनवाई से खुद को अलग कर दिया है, जिसके चलते राहुल गांधी की तरफ से सेंसर्स कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले अपील पर सुनवाई तय नहीं हो पाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से 25 अप्रैल को गुजरात हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। 2019 में मोदी सरने मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा को सेंसर्स कोर्ट ने बरकरार रखा था। राहुल गांधी ने सजा पर रोक के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। AR रहमान देश के मशहूर संगीतकारों में से एक है। अपने करियर में उन्होंने तमिल और हिंदी में कई फिल्मों के लिए सैकड़ों गाने तैयार किए हैं। रहमान मातृभाषा तमिल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अक्सर वो अपनी भाषा को खुलकर सपोर्ट भी करते दिखते हैं। हाल ही में एक पुरस्कार समारोह में म्यूजिक डायरेक्टर ने अपनी पत्नी को मंच पर हिंदी में बात करने में रोकते हुए तमिल में बोलने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भारत में जब दिवाली होती है तो पूरी दुनिया इस त्यौहार को मनाती है। पिछले साल राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी खूब धूमधाम से दिवाली मनाई थी। वही अब इसकी लोकप्रियता को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका पेंसिल्वेनिया में हिंदू त्यौहार दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। सीनेटर निखिल सावल ने इसकी जानकारी बुधवार को ट्वीट करके दी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने नियंत्रण से बाहर संपत्तियों के निरीक्षण के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका का विरोध किया है। केंद्र ने हाई कोर्ट को बताया कि वक्फ बोर्ड 123 संपत्तियों में से किसी का भी मालिक नहीं है और ना ही हो सकता है। वह केवल एक कस्टेडियन यानी संरक्षक हो सकता है, वह भी तब अगर वह एक वक्फ संपत्ति है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सकों के साथ एलोपैथ डॉक्टरों की तरह बराबर व्यवहार किया जाना चाहिए और समान वेतन का हकदार होना चाहिए। शीर्ष अदालत 2012 के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि आयुर्वेद चिकित्सक भी उसी तरह के व्यवहार के हकदार है जैसे कि MBBS डिग्री वाले डॉक्टरों के साथ किया जाता है। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का परीक्षण किया है। इस मोबाइल OS को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के इंक्यूबेटेड फर्म द्वारा विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द सेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस यात्रा में कठिनाइयां आएंगी और दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो मुश्किलें लेकर आएंगे और नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई व्यवस्था सफल हो।
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नर्सिंग कॉलेज को लेकर बड़ा फैसला किया। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को अनुमति दे दी है। देश में जल्द से जल्द 150 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। बता दें कि एक नर्सिंग कॉलेज में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने मुस्लिम समुदाय के लिए केवल धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म करने का फैसला सोच समझ कर लिया है, क्योंकि यह असंवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 की अवधारणा के विपरीत है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण प्रदान करना सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। गुजरातियों को लेकर विवादित कमेंट के बाद उनके खिलाफ अहमदाबाद की एक अदालत में याचिका दायर की गई है, जिस पर 1 मई को सुनवाई होने जा रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने भी 2 साल की सजा सुनाई है। उन्हें मोदी उपनाम पर टिप्पणी की वजह से आपराधिक मानहानि का दोषी पाया गया था। बिहार में 7 निश्चय भाग 2 की महत्वपूर्ण योजना हर खेत को सिंचाई के तहत सिंचाई के लिए करीब 439 बड़ी और मध्यम परियोजनाओं पर मार्च 2024 तक काम पूरा होने की संभावना है। इन योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग के पास है। फिलहाल राज्य की बड़ी करीब 661 सिंचाई योजनाओं को बेहतर बनाकर उनसे खेती के लिए पानी मुहैया की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग को सौंपी गई है। इनसे करीब 1,25,000 हेक्टेयर को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। इसकी अनुमानित लागत करीब 397 करोड़ रुपए है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने बिजली के उत्पादन की समग्र लागत में कमी लाने के उद्देश्य से डे अहेड नेशनल लेवल मेरिट ऑर्डर डिस्पैच मैकेनिज्म की संशोधित संरचना को अंतिम रूप दे दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि अब उपभोक्ताओं को बिजली के लिए कम कीमत चुकानी होगी। सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी कई जरूरी बातें बताई। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि रद्द की जा चुकी शराब नीति में शराब कारोबार से जुड़ी गुटबंदी को प्रभावित करने के लिए बदला गया था। सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कारोबारी विजय नायर मुख्य साजिशकर्ता थे। मनीष सिसोदिया ने इस मामले में दूसरे लोगों को दी गई राहत के आधार पर खुद के लिए राहत मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वो गवाहों सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मन की बात का सरकारी कार्यक्रमों पर गहरा असर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर चुनौती को अवसर में तब्दील किया है। उन्होंने कहा है टीम इंडिया का सृजन मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए किया है। गृह मंत्री ने कोरोना काल को याद करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में कोविड की लड़ाई सरकार ने लड़ी, लेकिन भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता ने ये लड़ाई लड़ी है। महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की कार्यवाही से कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन वह भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद के खिलाफ इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही उनके विरोधी उनके खिलाफ कितना भी बड़ा गठबंधन बना ले। केंद्र सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर चल रही सुनवाई का विरोध किया है। केंद्र ने बुधवार को कहा है कि LGBTQIA+ समुदाय को विवाह का अधिकार मिलने से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत केवल महिला पुरुष की शादी को मान्यता देने के संसद का उद्देश्य भी खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की पीठ के सामने अपने दलील रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपील की है कि कोर्ट को इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि विषय संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषक ने ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए दल खालसा को चुनौती बताया है। ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषक क्रिस ब्लैकबर्न ने दल खालसा पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह पूरे यूरोप में खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दे रहा है। यूरोप में खालिस्तान आंदोलन के लिए दल खालसा बहुत तेजी से काम कर रहा है। यह कहना सरासर झूठ है कि दल खालसा आंदोलन के नेतृत्व के लिए सहायक नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान से उनके खुले संबंध और उनका कट्टरपंथ मुख्य उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की बाहरी 4 दीवारी से कम 1 किलोमीटर के दायरे में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के भीतर विकास कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध को हटा दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर के ESZ को अनिवार्य करने का उसका पहले का आदेश उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां विकास के लिए एक मसौदा या अंतिम अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 9,355 नए केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 97,410 है। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो वह 98.69% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12,932 लोग ठीक हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। खड़गे ने कालबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और इसी बीच उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं।
यदि आप इसे खाएंगे तो आप मर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हताशा से पता चल रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में अपनी जमीन खो रही है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, कौशलिन कुमार सिन्हा, दीपक कुमार और बिट्टू कुमार राजा। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हमें अपनी तरफ से क्या पहल की जानी चाहिए। अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।